अच्छा, अब जो है ना हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह होती हैं इंजेक्शन लगाने की, ठीक है। सबसे पहले पहले जो होगा ना, हम जो भी सुरंज लेंगे, नई सुरंज लेंगे, ठीक है, उसको हम सबसे पहले पहले ओपन करेंगे, ठीक है। बस ओपन करेंगे, ओपन करने से पहले हम लोग जो चीज़ देखेंगे ना, उसकी हम एक्सपायरी डेट देखेंगे, एक्सपायरी डेट सुरंज की एक्सपायरी डेट। इसके अलावा जो ड्रग हम जिस पेशेंट को दे रहे हैं ना, हम उसकी भी एक्सपायरी डेट देखेंगे कि वो एक्सपायर तो नहीं। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन कर लिया हमने इसको, अच्छा अब इसके पार्ट्स हैं, ये इसकी कैप होती है, ठीक है, ये इसकी सिरिंज होती है, ये इसका प्लंजर होता है। सबसे पहले पहले हम जैसे ही इस सिरिंज को ओपन करेंगे, हम इसके प्लंजर को पीछे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और फिर आगे की तरफ करेंगे। हम देखेंगे कि ये लूज़ तो नहीं है, इसके अंदर कोई मसला वगैरह तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी निब को देखेंगे, निब ठीक है, ख़राब तो नहीं है, ये चीज़ें देखेंगे। देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पहले कॉटन लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉटन लेंगे, हम उसको किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह के अंदर डालेंगे। उसके अलावा हमने जिस पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है ना, हम उसकी साइड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप, हम सबसे पहले पहले लगाते हैं कि ग्लूटिस मैक्सिमस के ऊपर, ठीक है। ग्लूटिस मैक्सिमस पे जब हम लगाएंगे ना, तो सबसे पहले पहले तो उस जगह को हम अनकवर करेंगे, ठीक है। अनकवर करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने कॉटन, फॉर एग्जांपल ये कॉटन है ना, ठीक है, हमने कॉटन को इस तरह लेना, हमने जहाँ पे इंजेक्शन लगाना है ना, पहले कॉटन वहाँ रखना है, मीड से लेके हमने इसको राउंड राउंड देना। पर इस चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ पे हमारा एक बार तो कॉटन लग गया ना, दोबारा वहाँ ना लगे, इसको हमें साफ करना है। इससे ये क्या होगा, स्टीराइल हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद हम इसको खोलेंगे सिरिंज को, हमने अंदर सबसे पहले पहले हम खोल के हम फॉर एग्जांपल इसके अंदर ड्रग लेंगे। ड्रग हमने ले ली, ड्रग लेने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे। पुश करने से क्या होगा, हमने 2-3 ड्रॉप जो मेडिसिन के है ना, जो भी हमारे पास ड्रग के अंदर, वो निकाल देना। उसका ये फायदा होगा कि एयर निकल जाएगी और पेशेंट के अंदर एयर एम्बोलिज्म नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने जगह सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और हम लोगों ने ग्लूटिस मैक्सिमस के अंदर जो है वो आराम से, ज़्यादातर हम लोग 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ये लगा देते हैं, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हम लोगों ने इस तरह से इंजेक्शन लगा के और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये मीन्स जितनी भी अंदर ड्रग होगी उसको इंटर कर देंगे। इसके अंदर दो चीज़ें हैं ना, ये जो सुरंज जो हम इंटर करते हैं ना पेशेंट के अंदर, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा फैटी बंदा है तो उसके अंदर हम लोग पूरी इंटर कर देंगे, और अगर कोई बहुत ज़्यादा फैटी नहीं है तो उसके अंदर हाफ, या अगर थिन बंदा है तो उसके उससे भी ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग निब को निकाल लेंगे, इसको हम डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको कॉटन वगैरह मीन्स 1-2 मिनट हमने इसको दबा के रखना है, ताकि जो है ड्रग वगैरह निकलना जाए ना, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आता है ना, वो हमारे पास होता है कि आईवी रूट से हम लोग ड्रग किस तरह लेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट के आर्म को अनकवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग उसकी जो बाजू का टॉप का हिस्सा होता है, अप्रॉक्सीमल हिस्से पर हम लोग टार्निकेट बांध लेते हैं। टार्निकेट बांधने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट की इधर जो वेन होती है, सेफेलिक होती है, मीडियन ट्यूबिटल वेन होती है, बिजैलिक वेन होती है, ठीक है। ये जो हम इंजेक्शन लगाएंगे ना, ये हम लगाते होते हैं 45 डिग्री के एंगल में, ठीक है। ग्लूटिस मैक्सिमम वाली 90 डिग्री है ना, वो 90 डिग्री, अच्छा ये 45 है। इसके बाद हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ये जो निब है ना, ये जो इसकी ओपनिंग है जो ऊपर की तरफ, हम लोग इसको आराम से 45 डिग्री के एंगल पे इंटर करेंगे इस तरह से, ये वेन के अंदर हो, ठीक है। वेन के, इसके बाद हम लोग सबसे पहले आराम आराम से इसका ब्लड निकाल लेंगे, ठीक है। इसका ब्लड निकालने के बाद हम लोग सिरिंज को निकाल लेंगे, और जो हमने ब्लड क्यों निकाल दिया, टेस्ट किसके अंदर, नहीं आईवी रूट है ना, आईवी के अंदर हम ब्लड दे भी सकते हैं और ब्लड ले भी सकते हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है आईएम, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर जो होता है वो हम डेल्टाइड के रीजन में लगाते होते हैं। ये लोग हम बेसिकली जो एक्रोमियल प्रोसेस होता है ना, इस जगह पे एक्रोमियल प्रोसेस, अगर हम इसको यहाँ पे फील करें ना, तो हमें एक्रोमियल प्रोसेस फील हो जाता है। इससे 1-2 सेंटीमीटर हम लोग नीचे लगाते होते हैं, और ये भी जो होता है हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पर लगता है, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग वही ग्लूटिस मैक्सिमस की तरह, इसका भी वे है कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हम लोग 1-2 सेंटीमीटर नीचे जो एक्रोमियल प्रोसेस होगा, वहाँ पे इसको आराम से इंटर करेंगे, और जो भी ड्रग वगैरह हमने देनी है वो पेशेंट को दे देंगे, ठीक है। इसको निकाल लेंगे। एसेप्टिक टेक्निक्स उसी तरह हैं कि डेल्टाइड के अंदर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है, और टार्निकेट कहाँ पे बांधनी है, इसके अंदर नहीं बांधनी, आईएम जो है ना उसमें नहीं, जब आईवी में, आईवी में जब हम ब्लड लेंगे ना, अच्छा, हम ब्लड निकालते हैं उस वक्त टार्निकेट बांधनी है, पर जब हम ड्रग बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं ना, उस वक्त नहीं बांधनी, अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास आता है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट के अंदर जो है ना हमारे पास इस तरह से होता है कि ये तो वो है, सबक्यूटेनियस रूट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास छोटी सिरिंज होती है ना, वो हम लोग 15 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, लाइक डॉर्सम ऑफ आर्म के ऊपर, इसके अलावा एंटीरियर लैटरल सरफेस ऑफ लेग, इन जगहों पे लगाते हैं।
वो हम जब भी लगाएंगे ना वो हम 15 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे। ठीक है, सही होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक लगता है डर्मिस के अंदर। डर्मिस, ठीक है, डर्मिस के अंदर भी हम लोग इसी तरह बिल्कुल 15 डिग्री के एंगल पे हल्का सा इंजेक्शन को इंटर करके डर्मिस में लगाना है ना, वहाँ पे इंटर कर देंगे। सबक्यूटेनियस रूट ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना वो हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होता है, डॉर्सम ऑफ आर्म के ऊपर, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, उन जगह भी यूज़ होता है। उसका जो एक ड्रॉबैक है ना वो ये है कि जहाँ पर हम लोग वो लगा रहे हैं ना वहाँ पे नेक्रोसिस भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं जेड टेक्निक। ठीक है, ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कैंसरस ड्रग्स के लिए, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होती है ना, इसके अंदर हम लोग इंजेक्शन लेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पहले जो है ना इसके अंदर एक जेड टेक्निक के अंदर हम लोग इस तरह करते हैं कि जेड बनाते हैं ना। देखो, सबसे पहले पहले फॉर एग्जांपल हम कोई भी जगह ले लेंगे पर नॉन हेरी जो सरफेस होगी ना, उसके अंदर हम सबसे पहले पहले इंजेक्शन को थोड़ा सा अंदर इंटर करेंगे। थोड़ा सा हमने इंटर कर दिया, सही, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा, अब ये इंजेक्शन इंटर हो गया ना, हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा इंटर करेंगे, इसके बाद हम इसको दोबारा स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जितनी भी होती हैं, जो भी कैंसर ड्रग लाइक कीमोथेरेपी थेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं, वो हम लोग आराम से पेशेंट्स को इंजेक्ट कर देते हैं। बस ये।